इजराइल कितना ताकतवर है ये तो दुनिया जानती है और मौजूदा दौर में कार्रवाई भी उसकी देख रही है। लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्या फिलिस्तीन, क्या हमास, या फिर कोई और? जी, जवाब है कोई और। लेकिन कौन, तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। दुनिया की सबसे चतुर खुफिया एजेंसी, दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों से लैस और दुनिया की सबसे बेखौफ सेना यानी कि इजराइल के पास सब कुछ है। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा जाता है कि आपके देश के लिए तीन सबसे बड़े खतरे कौन हैं, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ईरान, ईरान और ईरान। आर्थिक, राजनयिक और सामरिक तौर पर ईरान को पंगु बनाने की अमेरिका, यूरोपियन देशों और इजराइल की तमाम कोशिशों के बाद भी अरब में अगर कोई मुल्क खड़ा है तो वो ईरान है, वरना इराक, लीबिया, ट्यूनिशिया की मिसालें आपके सामने हैं जो पूरी तरह से खुद तबाह हो चुके हैं। आज भी अगर इजराइल और अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को मिडिल ईस्ट में कोई टक्कर दे सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईरानी हुकूमत है। ईरान कई मौकों पर साफ तौर पर कह चुका है कि जब तक वो है तब तक यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मौजूदा विवाद में भी सिया बहुल ईरान सुन्नी बहुल फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिखता है। खुद हमास नेता इस्माइल हनीयेह ने उनके समर्थन के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। हनीयेह का कहना है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई सिर्फ हमास से नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक दुनिया की है। इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अगर सिर्फ ईरान से खतरा है तो उसकी तीन बड़ी वजह है। पहली वजह राजधानी तेल अवीव के पश्चिम में गाजा पट्टी पर मौजूद फिलिस्तीनी संगठन हमास, जिसके साथ ईरान सिया सुन्नी का फर्क मिटाकर पूरी शिद्दत से खड़ा है। उसे न सिर्फ पैसों से बल्कि जंग के सामान से भी लैस कर रहा है। आज हमास अगर इजरायली सेना पर हमले कर पा रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान ही है। ईरान से इजराइल की दुश्मनी की दूसरी वजह है उत्तर दिशा में उसका पड़ोसी मुल्क लेबनान, जहां मौजूद राजनीतिक संगठन है हिजबुल्ला, जिसके लीडर नसरुल्लाह के एक इशारे पर लाखों लेबनानी लोग इजराइल पर टूटने के लिए आमादा रहते हैं। हिजबुल्ला अक्सर इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करता रहता है। इसे भी ईरान का समर्थन हासिल है और इस ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को अपना लीडर मानते हैं। इजराइल के ईरान से दुश्मनी की तीसरी वजह है पूरब में मौजूद सीरिया, जहां के सरहदी इलाकों में ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी है जो हमेशा इजराइल के लिए खतरा बनी रहती है। इजराइल अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सीरिया में ईरान की मौजूदगी को खत्म करने का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।